तो देखिए दोस्तों, आज बन रही है पालक की सब्जी, जो बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली है। तो आप देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले आप आंखों से खाइए, फिर आप बना के देखिए कि कैसी बनती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देख के जाइए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज देर नहीं करेंगे, सीधा हम स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपी। तो आज बनने वाली है हमारी बहुत ही यूनिक तरीके की पालक, तो जिसके लिए हमने पालक को धो के बारीक बारीक काट लिया है साफ करके। ये लिए हैं हमने हरी मिर्ची, जो तीखी नहीं है इसलिए थोड़ी ज़्यादा ली है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज लिया है, और लहसुन लिया है जो हमने काटा नहीं है, साबुत रखेंगे, इसको बिना काटे ही यूज़ करेंगे। साथ में लिया है हमने 3 चम्मच बेसन। मसालों में लिया है हमने हल्दी, लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। तो अभी गैस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख दी है, तेल डाला है उसमें, तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल देते हैं उसमें जीरा। जीरे के साथ ही डालेंगे हम अपना लहसुन और प्याज। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। किसी किसी चीज़ में साबुत लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है, आप डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं, तो इधर हम अपन बेसन को तैयार कर लेते हैं। बेसन में डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने पालक में भी डालना है। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे तेल, और चम्मच के हिसाब से थोड़ा सा डालेंगे पानी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, पानी ज़रूरत लगेगी तो और डालेंगे। इसको अच्छे से हम थोड़ा दरदरा दानेदार जैसा कर लेंगे मिला के। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालेंगे। तो आप देखिए, हमने बेसन को तैयार कर लिया है। इसको हल्के हाथ से ही करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, मसलना नहीं है, तो ये ऐसे दानेदार बन जाएगा। इधर हमारे प्याज और लहसुन भी अच्छे से लाल हो गए हैं, अभी डाल देंगे इसमें अपने मसाले। और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची और टमाटर। लहसुन या पालक बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल होती है बनाने में, ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको पकाने में। सॉरी, डालते हैं थोड़ा सा पानी और गैस को सिम करके थोड़ा सा ढक देते हैं, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो अब देखिए, टमाटर हमारे गलने लग गए हैं थोड़े, अब हम इसको साथ साथ मैश कर देंगे। देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी पालक।
तो पालक हमने डाल ली है, इसको मिला लेते हैं अच्छे से ताकि सारा तड़का जो है पूरी पालक में अच्छे से मिल जाए। तो आप देखिए पालक को हमने अच्छे से मिला लिया है, कितना ही सुंदर कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, गैस सिम रख के मीडियम स्लो रखेंगे और इसको 10 से 15 मिनट ढक के हम पका लेंगे। तो आप देखिए पालक हमारी पक रही है, अभी थोड़ी बाकी है, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी पालक बनके तैयार हो जाती है हमारी। अभी इसको सिम करेंगे, सिम पे है सॉरी, और यहाँ मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ। जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक हमारी साथ साथ रोटियाँ भी बनके तैयार हो जाएंगी पूरी। तो आप देखिए पालक हमारी काफ़ी हद तक पक गई है, अच्छे से गल गई है, सिर्फ थोड़ा सा पानी सूखना बाकी है। ये स्टेज पे हम इसमें अपना जो हमने बेसन दरदरा करके डाला है रखा है उसको इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए बेसन हमने डाल दिया है, अब इसको ज़्यादा मिलाना नहीं है, इसको हल्के हाथ से खाली ऐसे ऐसे मिला देना है, बहुत ज़्यादा हिला हिला के नहीं मिलाना है, बस वो अच्छे से अंदर हो जाए इतना ही मिला है। अभी इसको हम ढक देते हैं। तो दोस्तों गरम गरम पालक की सब्जी और गरम गरम रोटी देख के किसके मुंह में पानी आ रहा है, किसको भूख ज़ोरदार लग रही है आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अब देखिए हमारी पालक बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही खुशबूदार, कितना सुंदर कलर आया है। इधर हमारी रोटी भी बनके तैयार है, तो कर देते हैं बेटे का टिफ़िन पैक। इस तरीके से पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप भी मेरे तरीके से बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँ, रेसिपी के रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से हो, अगर मैं देने में समर्थ होंगी तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय।